हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 1972 में आई एक क्राइम थ्रिलर मूवी को, जिसका नाम है व्हाट द पेपर शो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम सारा नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपने बाथटब में नहाने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी सारा को बाथटब में ही करंट का झटका लगता है, जिसकी वजह से सारा यहाँ मारी जाती है। इसके बाद हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम एलिस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड पॉल के घर पर आती है। पॉल की पहली वाइफ सारा थी, जो बाथटब में इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से मारी गई थी। और सारा को मरने के बाद पॉल ने एलिस से अपनी दूसरी शादी कर ली। पॉल एक बिजनेसमैन होता है जो ज्यादातर समय अपने घर से बाहर ही रहता था, इसलिए पॉल ने एलिस को अपने 12 साल के बेटे का देखभाल करने के लिए इसे अपने घर पर बुलाता है। पॉल के बेटे का नाम मार्कस होता है। पॉल ने एलिस को बताया था कि मार्कस अपने स्कूल गया है, जो कि एक हफ्ते बाद घर पर वापस आएगा, इसलिए एलिस यहाँ घर पर पहले ही आ जाती है। एलिस यहाँ आकर देखती है कि मार्कस तो उससे पहले ही घर पर आया हुआ है, इसलिए एलिस मार्कस से घर पर पहले से ही आने का रीजन पूछती है। मार्कस बताता है कि इसके स्कूल की छुट्टी चल रही है क्योंकि इसके पूरे स्कूल में कोई बीमारी फैल गई है। एलिस भी मार्कस की बातों पर यकीन कर लेती है, लेकिन एलिस को यहाँ मार्कस के साथ काफी अजीब लग रहा था क्योंकि मार्कस भले ही उम्र में छोटा था, लेकिन ये बातें बड़े बड़े लोगों की तरह का करता था। अगले दिन पॉल एलिस को कॉल करता है क्योंकि पॉल अपने बेटे मार्कस से बात करना चाहता था, इसलिए एलिस मार्कस के पास फोन लेकर आती है। पॉल अपने बेटे से बात करता है। मार्कस से बात करने के बाद पॉल एलिस से बात करने लगता है। एलिस पॉल से बात कर ही रही थी कि तभी पीछे से मार्कस आता है, जो एलिस को गलत तरीके से छूने लगता है। मार्कस के इस बिहेवियर से एलिस को काफी गुस्सा आता है, लेकिन ये मार्कस को कुछ बोले बिना ही यहाँ से चली जाती है। अब धीरे धीरे दिन बीत रहा था और एलिस को पता चलता है कि मार्कस एक बिगड़ा हुआ लड़का है, जिसकी वजह से इसका कोई भी फ्रेंड नहीं है, इसलिए एलिस हमेशा ही मार्कस का अच्छे से ख्याल रखती थी। लेकिन मार्कस तो एक बिगड़ा हुआ लड़का होता है, इसलिए ये हमेशा ही अपनी ही स्टेप मॉम को गंदे नजरों से देखा करता था। कुछ दिनों के बाद मार्कस के डैड पॉल अपना काम खत्म करके घर वापस आते हैं। मार्कस और एलिस भी पॉल को पिक करने एयरपोर्ट पर आए हुए थे। ये तीनों जब कार में बैठकर घर पर जा रहे थे, तब रास्ते में पॉल एलिस को छूने लगता है, जिससे एलिस का ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है। इनके कार का एक्सीडेंट होने ही वाला था कि एलिस कार को कंट्रोल कर लेती है। अब ये सब लोग घर पर आ जाते हैं। घर आकर मार्कस यहाँ खेलने चला जाता है और पॉल एलिस के साथ कमरे में जाकर घपाघप करता है। आज की शाम ये तीनों एक रेस्टोरेंट में आकर डिनर करते हैं। पॉल यहाँ एलिस से कहता है कि क्या तुमने मेरे लॉकर से पैसे निकाले थे? तब एलिस कहती है कि नहीं, मैंने कोई पैसे नहीं निकाले थे, बल्कि वो पैसे मार्कस ने निकाले थे उस टैक्सी को पे करने के लिए। ये सुनकर मार्कस कहता है कि मैंने तो सिर्फ 365 सेंस ही पे करने के लिए निकाले थे। इस पर एलिस कहती है कि तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि मैंने डैड के लॉकर से सारे पैसे निकाले हैं। तब मार्कस कहता है कि मैंने ऐसा कुछ तुमसे कहा ही नहीं। अब पॉल पैसे गुम होने का सारा इल्जाम एलिस के ऊपर ही डालता है, इसलिए एलिस घर आकर मार्कस के कमरे की तलाशी लेती है। एलिस को यहाँ पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन हाँ, इसे मार्कस के कमरे में एक फटा हुआ लेटर मिलता है। एक दिन स्विमिंग करते समय मार्कस अपने डैड पॉल से कहता है कि एलिस इसका जरा भी ख्याल नहीं रखती, और तो और एलिस इसे पसंद भी नहीं करती। मार्कस की सारी बातें एलिस सुन रही थी। पॉल मार्कस की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि मार्कस एक छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे ऐसी बात करते रहते हैं। मार्कस अपने डैड से ये भी कहता है कि एलिस इसे पसंद नहीं करती। मार्कस अपने डैड से ये भी कहता है कि एलिस ने आज इसके कमरे की तलाशी ली है, इसलिए पॉल एलिस से उसके बारे में पूछता है, लेकिन एलिस पॉल को कुछ भी नहीं बताती। अगले दिन एलिस मार्कस के बारे में और भी बातें जानने के लिए ये उसके स्कूल जाती है। मार्कस के टीचर एलिस को बताते हैं कि मार्कस की छुट्टियां नहीं चल रही हैं, बल्कि उसे इस स्कूल से निकाल दिया गया है। टीचर बताते हैं कि इन्होंने मार्कस के स्कूल से सस्पेंड होने का एक लेटर भी घर पर भेजा था, लेकिन उस लेटर को मार्कस ने फाड़ दिया था, जिसका कुछ टुकड़ा एलिस को उस दिन मार्कस के कमरे में मिला था। स्कूल के टीचर एलिस को बताते हैं कि मार्कस काफी बिगड़ा हुआ लड़का है, जो स्कूल के आसपास मौजूद घरों की जासूसी करके घर में घपाघप कर रहे लोगों को देखा करता था, और तो और मार्कस स्कूल के आसपास घूम रही बिल्लियों को भी जान से मार देता था। मार्कस की इन सब हरकतों को देखकर उसे इस स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया। एक दिन पॉल एलिस को एक पार्टी में लेकर आता है। एलिस यहाँ एक औरत से मिलती है जिसका नाम सोफी होता है। सोफी कहती है कि सारा इसकी एक अच्छी
फ्रेंड हुआ करती थी, जिसकी अचानक से एक दिन नहाने के दौरान बाथटब में मौत हो गई। एलिस को अब लगने लगा था कि मार्कस ने ही अपनी मॉम सारा को मारा है। एलिस ये सारी बात पॉल को समझाने की भी कोशिश करती है और बताती है कि मार्कस की आदत काफी गंदी है, लेकिन पॉल एलिस की बातों पर जरा भी यकीन नहीं करता। उल्टा ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। एक रात एलिस ऊपर के कमरे में आती है, तब ये यहाँ पर एक होल देखती है। इस होल से इनका बेडरूम साफ साफ दिख रहा था। होल देखकर एलिस को पता चल जाता है कि ये होल मार्कस ने ही किया है, ताकि वो इन्हें घपाघप करते हुए देख सके। इसलिए एलिस जल्दी से मार्कस के पास आती है। एलिस यहाँ गुस्से से मार्कस से पूछती है कि ये इन्हें घपाघप करते हुए क्यों देखता है। मार्कस इस पर कहता है कि किसी को घपाघप करते हुए देखना इसे काफी अच्छा लगता है। एलिस कहती है कि तब तो तुम सारा को भी इसी तरह से देखते होगे। तब मार्कस कहता है कि हाँ, लेकिन ये सारा को उतना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो एलिस की तरह ज्यादा हॉट नहीं लगती थी। एलिस यहाँ मार्कस से सारा की मौत के बारे में पूछती है। तब मार्कस इसे बताता है कि सारा को हार्ट अटैक आया था, जिससे वो मारी गई। लेकिन एलिस कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि सारा की मौत इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से हुई थी। एलिस मार्कस से कहती है कि तुम सारा की मौत के बारे में बहुत कुछ जानते हो, लेकिन तुम मुझे बताना नहीं चाहते। मार्कस कहता है कि आखिर मैं तुम्हें ये सब क्यों बताऊं, और इसमें मेरा क्या फायदा होगा। एलिस यहाँ मार्कस को पैसों का लालच देती है, लेकिन मार्कस बात बताने से मना कर देता है और कहता है कि इसे बस एलिस चाहिए। ये सुनकर एलिस अपने कपड़े उतारने लगती है। एलिस को कपड़े उतारता देख मार्कस भी एलिस को सारी बातें बताने लगता है। मार्कस बताता है कि सेरा को हार्ट की बीमारी थी, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था, और ये बात सारा ने इसके डैड पॉल को भी नहीं बताई थी, लेकिन ये बात मार्कस को डॉक्टर के एक रिपोर्ट से पता चला था। एलिस को यहाँ लगता है कि मार्कस इसे जो बता रहा है वो सब झूठ है, इसलिए ये मार्कस की बातों पर यकीन नहीं करती और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद एलिस ऊपर के कमरे में हुए होल को दिखाने के लिए पॉल को ऊपर के कमरे में लेकर आती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी होल नहीं होता। एलिस पॉल से कहती है कि मार्कस इन्हें हमेशा ही इनके कमरे में देखता रहता है, लेकिन पॉल एलिस के किसी भी बात पर यकीन नहीं करता। एलिस की बातों से पॉल को लगने लगा था कि एलिस धीरे धीरे मेंटली डिस्टर्ब होती जा रही है, लेकिन एलिस भी हार मानने वाली नहीं थी, इसलिए ये सारा की मौत पर कुछ चीजों की इन्वेस्टिगेशन करती है, जिससे एलिस को पता चल जाता है कि मार्कस ने ही सारा को मारा है। दरअसल मार्कस ने सारा के बाथटब में खराब हीटर लगाया था, जिससे सारा को इलेक्ट्रिक शॉक लगा और वो मारी गई। एलिस को अब जब पता चल गया था कि मार्कस ने ही सारा को मारा है, तब ये मार्कस से और बात जानने के लिए ये मार्कस से पूछती है कि आखिर इसने सारा को क्यों मारा। मार्कस यहाँ बताता है कि सारा इसे अच्छी नहीं लगती थी। मार्कस यहाँ ये भी कहता है कि इसे लोगों को टॉर्चर करके मारने में काफी मजा आता है। मार्कस एलिस से कहता है कि अब ये एलिस को भी मार देगा। मार्कस की बात सुनकर एलिस पूरी तरह से हैरान हो जाती है और इसे कुछ भी समझ नहीं आता कि अब ये करे तो क्या करे, क्योंकि एलिस की बातों पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। एलिस की बातों से पॉल को भी लग रहा था कि एलिस अब पागल हो रही है। धीरे धीरे सच में एलिस पागल हो जाती है, जिसकी वजह से इसे एक मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाता है। कुछ महीने बाद एलिस ठीक ठाक होकर घर वापस आती है। एक दिन पॉल, एलिस और मार्कस बाहर घूम रहे थे। मार्कस यहाँ अपने डॉग के साथ खेल रहा था और एलिस पॉल के साथ बात कर रही थी। कुछ समय बाद एलिस और मार्कस एक दूसरे से मिलते हैं और ये सारा की मौत के बारे में बात करते हैं। मार्कस कहता है कि ये अब एलिस को नहीं मारेगा, क्योंकि अब ये इसे लाइक करने लगा है। एलिस भी यहाँ मार्कस से रोमांटिक बातें करती है। एलिस यहाँ मार्कस से कहती है कि ये दोनों मिलकर पॉल को मार देंगे और फिर कहीं पर भाग जाएंगे। एलिस यहाँ मार्कस को एक लंबा वाला किस करती है। एलिस यहाँ एक कार को देखती है जो रोड पर तेजी से जा रही थी। ये देख एलिस डॉग के टॉय को रोड पर फेंक देती है, जिससे डॉग उसे पकड़ने के लिए जाता है। मार्कस भी अपने डॉग को बचाने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन मार्कस रोड के बीच में होता है कि तभी वो तेज कार आ जाती है, जो मार्कस को ठोक देती है, जिससे मार्कस यहाँ पर मारा जाता है। मार्कस की मौत से एलिस काफी खुश होती है, क्योंकि एलिस ने मार्कस को मारने का जो प्लान बनाया था वो प्लान कामयाब होता है। मार्कस की मौत के बाद एलिस अब टेंशन फ्री हो जाती है और हमारी ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।